नाम और परिचय बता दीजिए। मैं चीफ फायर अफसर चंदौली रमाशंकर तिवारी। सर अभी क्या मामला हुआ यहाँ पे, आप लोग को कैसे सूचना? फायर स्टेशन के जस्ट बगल में स्पिन स्क्राई होटल में 1:07 पर सूचना प्राप्त हुई। तो पहले ये लोग सामान्य स्थिति में देखे कि जो चिमनी लगी हुई है किचन में, वहाँ पर कहीं चिंगारी आई थी, धुआं हुआ, तो हमारे एक स्टाफ को बुलाए ये चेक करने के लिए। तो ये आया रजनीश राय, तो देखा कि आग बढ़ सकती है, तो इसने तत्काल सूचना दिया। फौरन दरोगा जी, मैं, सब लोग यूनिट लेके गाड़ी आए, और वाकई थोड़ी स्थिति ख़राब थी, क्योंकि आग तो कम थी लेकिन धुआँ ज़्यादा भर गया था। अच्छा, जो भी किचन से चिमनी है उसमें अक्सर हाँ जो भी खाना बन रहा है उसमें तेल वगैरह जाके चिपक जाता है, उसके चलते अगर हल्की भी चिंगारी प्राप्त होगी तो वो बड़ा रूप ले लेती है। लेकिन यहाँ के स्टाफ ने भी बड़ा सहयोग किया कि जो भी इनके 7 कमरे बुक थे उनमें से जो भी यात्री ठहरे हुए थे उनको बाहर निकाल दिया गया, और कोई विशेष नुकसान भी नहीं हुआ है। बड़े सूझबूझ के साथ हम लोगों ने आग बुझा दिया। अच्छा, विशेष तो नहीं, लेकिन सामान्य पानी की भी व्यवस्था थी यहाँ, जिनके हाइड्रेंट से हमने गाड़ी में पानी भी ले लिया, और सब नियंत्रित है, कोई जीव रक्षा जीव हानि नहीं हुई है, इसलिए उस प्रकार की स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। अब सामान्य स्थिति हो गई है, थोड़ा धुआं भरा हुआ है, तो इन लोगों से कहा जा रहा है कि एग्जॉस्ट फैन 2-4 लगा दे जिससे अतिशीघ्र धुआं बाहर निकल जाए, तो पूर्णतः सामान्य स्थिति हो जाएगी। सर, चिमनी को लेकर कोई संदेश देना चाहेंगे कि चिमनी में क्यों आग लग जाती है? चिमनी में देखिए, जो किचन से हमारा खाना बनता है, या रिहायशी घर हो या होटल हो, तो चूंकि यहाँ बराबर चलता रहता है, तो उससे जो हमारा बाहर निकलता है उसमें से धुआं निकलता है, वही धुआं जाके चिमनी में चिपक जाता है। होना चाहिए कि 1-2 माह के अंतराल पर इसको हम धुएं को हमेशा चिमनी को साफ कराते रहें। तो जो कचरा चिपक गया है, चूंकि उसको एक चिंगारी मिलना चाहिए, उसमें तेल रहता है, तो हमने फोम का भी यूज किया, एक हमारे पास केमिकल आता है, चूँकि लिक्विड की आग पर हम चलाते हैं, तो चिमनी की स्थिति को देखते हुए मैंने फोम कंपाउंड का भी प्रयोग किया, इसलिए आग जो है पूर्णतः जल्दी ही नियंत्रित हो गई। और एक संदेश यह है कि चिमनियों को होटल जो भी हैं साफ सफाई रखें कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो।